गाइज यार, क्या आप भी एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो, या फिर आपने YouTube चैनल बना लिया है लेकिन अपने चैनल का नाम नहीं चुन पा रहे हो? सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जब YouTube चैनल बनाया था तो 1 वीक तक सिर्फ अपने YouTube चैनल का नाम ढूंढा था कि भैया कौन सा नाम रखूं। तब जाके मैंने YouTube पे सर्च किया फैंटेस्टिक एडवाइस हिंदी, और वहाँ पे देखा कि कोई भी YouTube चैनल इस नाम से नहीं है, तो मैंने अपने YouTube चैनल का यही नाम रख दिया। क्योंकि मुझे उस टाइम किसी भी वेबसाइट के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप बहुत सारा नाम चुन सकते हो। आपका चैनल किसी भी रिलेटेड हो, टेक रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, कोई भी टॉपिक आपके चैनल पे हो, किसी भी रिलेटेड आपका चैनल है, उसी रिलेटेड आप यहाँ पे नाम चुन सकते हो बहुत ही आसानी से। और चैनल ग्रो करने के लिए यूनिक नाम भी चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक यूनिक नाम यहाँ पे नहीं चुनते हो अपने चैनल का, तो यहाँ पे आपको 2 तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले आपको कस्टम यूआरएल लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दूसरा आपके चैनल को सर्च में लाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे चैनल का नाम फैंटेस्टिक एडवाइस हिंदी है, और अगर आपने इस नाम से कोई चैनल बना लिया, तो कोई भी इस नाम का चैनल अगर सर्च करेगा तो सबसे पहले सर्च में मेरा चैनल आएगा। उसके बाद अगर आपका चैनल सर्च पे आता है, आप उस तरह का कीवर्ड लगाते हो, तो आपका चैनल दूसरे नंबर पे सर्च पे आएगा। तो अब यहाँ पे कोई भी अगर फैंटेस्टिक एडवाइस हिंदी सर्च करेगा, तो कोई भी विजिटर मेरे चैनल पे ही विजिट करेगा, क्योंकि जो चैनल पहला नंबर पे शो करता है, न्यू विजिटर उसी पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो चैनल है उसका ट्रैफिक मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो इस तरह से फिर आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कस्टम यूआरएल लेने में कैसे प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे चैनल का नाम फैंटेस्टिक एडवाइस हिंदी, और इसी नाम से आपने चैनल बना लिया। अब मैंने कस्टम यूआरएल इस नाम का पहले से ही ले रखा है, उसके बाद आपने चैनल बनाया है, और उसके बाद आप कस्टम यूआरएल लेने के लिए क्लेम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं बताएगा। इसमें आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, जैसे फैंटेस्टिक एडवाइस हिंदी डबल आई लगाना पड़ेगा, या फिर 1 2 कोई भी वर्ड लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही भद्दा सा दिखेगा आपका यूआरएल। तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक यूनिक नाम कैसे चुन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यार, अभी आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक यूनिक नाम चुन सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है businessnamegenerator.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है इंटर वर्ड्स एंड क्लिक जेनरेट। तो इस पर हमें क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो भी आपका चैनल का नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अभी अपना नाम लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही नाम लिखता हूँ, यहाँ पे साइड में आप जेनरेट देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरा पेज में, एंड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी फाउंड 7999 नेम्स आइडिया, यानी कि 7999 नाम का आइडिया यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ मैंने अपना नाम लिखा है तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नाम आ चुका है, यहाँ पे बहुत सारा नाम आ चुका है। नीचे में आपको और एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। ये पहला पेज है, यहाँ पे आप दूसरा पेज पे जा सकते हो, तीसरा पेज पे जा सकते हो, नेक्स्ट करते जाओ और नाम आते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें और 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे लास्ट में जो है वो सेव आइडिया, जो भी नाम आप चुनेंगे, ये स्टार वाला मार्क आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। जो आप नेम आइडिया जो चूज़ करोगे वो इस जगह पे सेव हो जाएगा। एंड पहले नंबर वाले की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर, आप देख सकते हो। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जिस भी टॉपिक का आपका चैनल है, जिस भी कैटेगरी का चैनल है, एग्रीकल्चर का है, आर्ट का है, या फिर गेमिंग चैनल है, या टेक चैनल है, अगर यहाँ पे आपका वो चीज़ शो नहीं कर रहा है जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सर्च ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक। टेक लिखने के बाद
यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आ चुका है टेक, इस पर मार्क कर देना है आपको। मार्क करके यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन एक मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे टेक रिलेटेड ही नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं चीप मिराज, मिराज ज़ारा, मिराज ओजा, मॉडलर मिराज, इस तरह का नाम यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। और ये यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया है 1019 नाम, यानी कि आपने सिर्फ अपना नाम लिखा है और अपना कैटेगरी चूज़ किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा घट गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा घट गया। अब आपका यहाँ पे 1019 नाम आ चुका है तो इसमें नेम चुनने में बहुत ही आसानी होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिजल्ट फिल्टर, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो रिजल्ट फिल्टर, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कितना कैरेक्टर का आप नाम लेना चाहते हैं, 15+, या फिर आप अगर कम करना चाहें तो यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। जितना भी कैरेक्टर का चाहिए उतना ही कैरेक्टर का आपको यहाँ पर नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 वर्ड में नाम चाहिए या 2 वर्ड में, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हो 2 वर्ड का है चीप मिराज। एंड यहाँ पे रिजल्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगर हम लोग 2 वर्ड को हटा देंगे एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ओनली 1 वर्ड का नाम ही यहाँ पे शो करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा नाम 1 वर्ड का है, जितना भी नाम यहाँ पे है टोटल 1 वर्ड का है। उसके बाद रिजल्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे एंड 2 वर्ड यहाँ पे कर देंगे एंड 1 वर्ड को हटा देंगे तो जितना भी होगा टोटल 2 वर्ड का नाम ही यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोग दोनों में मार्क रखते हैं। एंड आपको और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इंसर्ट कीवर्ड का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट कीवर्ड। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर, अभी बिफोर लिखा हुआ है, जैसे इसको ऑन करेंगे तो आफ्टर आ जाएगा। ये आफ्टर बिफोर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो पहले आएगा और जो भी वर्ड ऐड हो रहा है वो बाद में आएगा। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अप्लाई ये हो चुका है, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पहले मेरा नाम आ रहा है मिराज बाइट, मिराज स्काई, तो ये देखने में भी अच्छा है। तो कुछ इस तरह से आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो और तुरंत ही अपने यूट्यूब चैनल का एक यूनिक नाम यहाँ पर चुन सकते हो। तो गाइज यार आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।